हेलो गाइस, सो आई एम बैक। मैंने ब्रेक लिया था टू फोकस ऑन 12th बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। नाउ आई एम बैक एंड नाउ वी विल स्टार्ट कोडिंग अगेन। यही बताना था कि अब एडवांस हो गया, मेंस हो गया, सीटी हो गया, सब हो गया। सो नाउ कोडिंग वापस स्टार्ट करेंगे एक साल के बाद। सो यस, एक साल बाद हम रिस्टार्ट करेंगे अपना चैनल जो डेड हो गया है। 6 मंथ्स तक तो व्यूज़ बहुत अच्छे से खींच लिया था, बहुत कंटिन्यूएशन था, फिर स्लोप डाउन हो गया। और लेकिन अब कोई बात नहीं, वी विल वर्क अगेन एंड वी विल ग्रो इट अगेन। सो अभी तो बहुत टाइम से किया नहीं है कोडिंग, सब रिवाइज करना पड़ेगा, सब पुराने कोड्स देखने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा वापस, और नए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे आपके लिए। एंड लेट्स गो, इट विल बी एन अमेजिंग जर्नी। अब पूरा फोकस कर पाऊंगा मैं, पूरा तो नहीं, बीटेक भी तो करना है, बट हाँ हो जाएगा, कर सकते हैं, उसका ज़्यादा लोड नहीं होता, मैंने सुना है ऐसा। सो लेट्स गो, वी विल डू इट। बोर्ड्स, मेंस, एडवांस सब हो गया, मार्क्स बताओ नहीं बताओ। चलो बता ही देता हूँ। सबसे पहला कौन सा एग्जाम हुआ, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें आया मेरा 93.16। एंड देन बोर्ड्स हुए, उसमें 86 आया। एंड देन सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें 96 आया। और 96 परसेंटाइल सुन के मैं खुश हो गया था। फिर मैंने रैंक देखा, फिर पता चला सर्च करके कि इसमें तो कोई कॉलेज NIT नहीं मिलेगा, कॉलेजेस शायद अच्छे मिल जाए, वो तो जोसा में देखेंगे। और CET भी हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, एडवांस का भी नहीं आया। एडवांस में नहीं होगा, मैंने मार्क्स काउंट किए, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, जहाँ तक एडवांस के दिन की बात, सेंटर मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं था, लाइटनिंग अच्छी नहीं थी, ट्यूबलाइट्स बहुत कम थे रूम में, और पंखे भी बहुत कम थे, गर्मी बहुत थी। जिनको AC की आदत थी वो तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ उन सबको, मुझे इतना नहीं हुआ गर्मी का, लेकिन लाइट का हुआ, खास करके पेपर 2 में आंखें स्ट्रेन हो रही थी कंप्यूटर, बट दैट्स ठीक है, वो चल गया। पेपर 1 थोड़ा इजी था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा पेपर 1 देने से, और पेपर 2 में मुझे प्रॉब्लम हुई, टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स हुए, बट अराउंड 40-45 अटेम्प्ट किए थे। एंड फिर मार्क्स काउंट किया मैंने आके, ब्रेक में मैंने बातें की, पेपर डिस्कस किया, एकदम भी चुप नहीं था मैं, बातें कर रहा था मैं अपने फ्रेंड्स से, तो ठीक ही था सब। एंड पेपर 1 में मेरे कुछ अराउंड 50 मार्क्स आए, लेकिन पेपर 2 में ओनली 20 मार्क्स, 20 के अराउंड आए। लेकिन जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसके कंपैरिजन करें, उससे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा गया मेरा एडवांस। AYJR में मेरे आए थे कुछ 43 मार्क्स, और सिर्फ पेपर 1 में ही मैंने 43 को क्रॉस कर गया। और PW पे भी 2-3 टेस्ट, ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया था मैंने, सिर्फ 2-3 टेस्ट दिया था, और AYJR दिया था, बस बस इतना ही था प्रिपरेशन मेरा एडवांस का, कुछ ज़्यादा था नहीं। एंड 75 मार्क्स बने, कट ऑफ तो नहीं होगा क्लियर, एंड इट्स ओके। ज़्यादा एम भी नहीं किया था कि एडवांस होना ही चाहिए वैसा सब, बट लेट्स सी, चमत्कार हो गया तो, बट वी कांट होप फॉर इट, इट्स बेटर टू नॉट होप फॉर इट। सो द मेन पॉइंट इज, नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन यूट्यूब, वी विल स्टार्ट कोडिंग अगेन। आई हैव सम आइडियाज़ जिसको मैं शायद बनाऊंगा वीडियोस, एंड इफ यू ऑल्सो हैव आइडियाज़ डू पुट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।